हमने पासे के सवालों को हल करने के लिए चार नियम पढ़ लिए हैं। अब कुछ सवाल इस तरह से भी आते हैं कि पासे की परतों को खोलकर परीक्षा में दिखाया जाता है और हमको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बात हमको ध्यान रखना है, पासा अपने आप में घन ही होता है। घन की चार जो फलके होती हैं वो एक दूसरे से अटैच होती हैं और दो फलके ऊपर नीचे होती हैं, उनको हम किसी भी तरह से खोल सकते हैं। तो मान लो हम इसके ऊपर कोई भी अंक लिखे, मान लो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो ये जो फलके हैं उनका जो निर्देशन होता है या उनको लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि देखिए, ये एक के बगल में तीन है, इसका मतलब एक के सामने तीन नहीं होगा। एक के सामने एक छोड़कर एक हो गया चार, तो अगर इसको लिखें एक के सामने क्या हो गया, चार हो गया। इसी प्रकार दो है तो दो के सामने हो गया पांच, और इसी प्रकार तीन के सामने हो गया छह। तो ये जब पासे को हम खोलते हैं या घन को हम खोलते हैं तो इस तरह से उनका निर्देशन किया जाता है। अब एक बात है, ये चारों तो एक सीध में ही हैं, एक के बाद एक हैं, लेकिन जो आमने सामने की भुजाएं, कहीं आमने सामने की फलक कहीं भी हो सकती है। मान लो ये पांच है, ये आपको इस तरह से भी दिखाई दे सकता है तो भी यहाँ पर यही रहेगा। ये दो है, मान लो ये इस जगह पर नहीं आकर इस जगह पर भी आ सकता है, रहेगा उसके आमने सामने। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। कभी भी इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो उसमें किसी तरह के भी सवाल पूछता है, इसके सामने क्या होगा, इसके बगल वाले में क्या होगा, कौन सा किसके बगल में है, कौन सा किसके बगल में नहीं है, तो हमारे को ये पूरी तरह से ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा अंक किसके सामने होगा।